मुहर्रम और गणेश पूजा को लेकर जिलाधिकारी ने गणमान्य व्यक्तियों के साथ की सात समिति की बैठक। आपको बता दें, उरई के विकास भवन सभागार में मुहर्रम और गणेश पूजा को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नन अख्तर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर ने जिले भर में आए सभी वर्गों के साथ मिलकर पीस कमेटी की बैठक की। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमार दोहरे। हो सकता है हम पूरी तरह से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए, आज बैठक जो मुहर्रम की हुई और गणेश पूजा की हुई, तो उसमें यही बात रखा गया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं उनका पालन करते हुए कैसे इन त्योहारों को भी मनाया जाए, कैसे जो है गणेश पूजा में जो है अगर कोई भी सार्वजनिक जो है पंडाल ना लगाया जाए, अपने घरों में ही लोग उसको करें और भव्य तौर पर जो है ना करके जितने लोगों के रेस्ट्रिक्शंस हैं उस हिसाब से जो है लोगों को इकट्ठा होते हुए गणेश पूजा किया जाए और विसर्जन भी उसी प्रकार से जो है सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए। मुहर्रम में भी यही निर्देश दिए गए कि जो ताजिया वगैरह बनते हैं वो भी अपने ही जो है जो पुराने जगह हैं वहीं बनाएं और उसको जो है पब्लिक एरिया में जो है ना लाएँ, और जो दफन करने का जो उनकी प्रक्रिया होती है उसके लिए भी जो है शासन से परमिशन लेके जितने लोग अलाउड हों उसी प्रकार से उसको किया जाए, और जो शासन के निर्देश आगे आने वाले समय में भी आएंगे तो उनको भी जो है उन सबको उसके प्रति अवगत करा दिया जाएगा। तो ये उन सारी बातों को लेके जो है आज पीस कमेटी की बैठक हुई और ज़्यादातर लोगों ने उन सब चीज़ों को मान लिया है और मुझे लगता है कि शांति से जो है हम गणेश पूजा को मनाएंगे और जो मुहर्रम का मातम का दिवस होता है 10 दिन होते हैं उनको भी जो है हम लोग शांति से जो है मना सकेंगे।